अपना नाम शुभ नाम क्या बताएंगे आप? मेरा नाम ओम नारायण सिंह है। आप पेशे से डॉक्टर हैं? पेशे से डॉक्टर। आप ये क्या कहना चाहेंगे वर्तमान की जो चिकित्सा प्रणाली है और जो हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली थी उसको कंपेयर करते हुए किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि किस तरह कितना जो है बदलाव और दुष्प्रभाव आया है? देखिए, दुष्प्रभाव कहीं नहीं है, बदलाव होता है। बदलाव हमारा जो है प्रकृति का नियम है, बदलाव होना जरूरी है, अच्छा भी है। और जिसको आप अपने ऊपर है कि भाई उसको किस तरह से आप दे रहे हैं बदलाव को। और दूसरा चीज कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है, यानी आयुर्वेद हमारा जो है और एलोपैथ, दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। बस खाली फर्क यही है कि दोनों के महत्व को समझा जाए। अब दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे उसमें। आप डॉक्टरी जैसे पीसी में रहने के बाद भी अध्यात्म की ओर आपका इतना रुझान कैसे समय निकाल पाते हैं? बिल्कुल निकलता है। आप जस्ट खाली उदाहरण के तौर पे लीजिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहेगा, जो चीज़ अच्छा लगेगा, उसके लिए आप जरूर समय निकालेंगे जिसमें इंटरेस्ट रहेगा। हाँ, ये है कि अध्यात्म की तरफ रुझान और ना होना, मैं तो कहूँगा भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हर पढ़े लिखे लोग अध्यात्म से जुड़ें और माने, उसको स्वीकार करें। एक्चुअली अध्यात्म तो आपको मानता ही है, भगवान तो आपको मान ही लिए हैं। आप खाली फर्क यह है कि आप भगवान को नहीं मान रहे हैं, आप खाली स्वीकार कर लिए कि हाँ भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, बस यही अध्यात्म है। और अध्यात्म का मतलब खाली यही है कि आत्मा के अधिकृत क्षेत्र में आप रहिए। आत्मा का आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान, भगवान के अधिकृत क्षेत्र में आप हैं, आप उसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ मैं भगवान के क्षेत्र में हूँ, बस ये अध्यात्म हो गया। लेकिन वर्तमान पीढ़ी जो हमारी है जी, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो पश्चिमी सभ्यता के भटकाव में चलकर अपने अध्यात्म, संस्कृति, कला और जो हमारी पुरातन संस्कृति है, थोड़ा बहुत कहीं भटकाव हो रहा है? हाँ बिल्कुल है। उसका कारण है कि सत्पुरुषों का अभाव हुआ है। सत्पुरुषों का अभाव होने की वजह से उनको प्रॉपर जो है सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी नई पीढ़ियाँ भटक रही है। और उसका कारण है कि उनके अंदर भौतिकतावाद ज़्यादा आ गया है। भौतिकतावाद का कारण है यही पाश्चात्य जो है अपनाकरण ये कर रहे हैं, अपना रहे हैं, पाश्चात्य जो चीज़ें हैं उसको अपना रहे हैं, भौतिकतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहले हमारे लोगों का, हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों का ये कर्तव्य बनता है कि भौतिकतावाद से दूर करें हमारी पीढ़ी को, वही एक कारण है। हम मानते हैं कि वर्तमान में जिस तरीके से भागदौड़ है, तो उससे जो चिकित्सा प्रणाली है अपनी अंग्रेजी दवाइयों के प्रति रुझान एक अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारी पुरानी चिकित्सा प्रणाली थी कहीं ना कहीं बहुत कारगर थी और जो घरेलू नुस्खे हुआ करते थे जी, दादी दादा दादी के नुस्खे, सही, तो कैसा लगता है कि अगर उसको भी साथ में लोग अपनाएं तो हमारा जो है जो चिकित्सा प्रणाली है और जो पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं वो भी जीवित रहेंगी? आपका बहुत बढ़िया सवाल है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आएगी उसमें, कि जो पुरानी चिकित्सा प्रणाली हमारी आयुर्वेद जो है वो बहुत ही अच्छी है, एकदम सुंदर है, जिसके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर है। परंतु उसमें लेकिन लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे कि लोग उसको उससे उसके रिजल्ट से थोड़ा सा खुश नहीं है। कारण कैसा है? क्योंकि हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति हमारी जो आयुर्वेद की है, वो आयुर्वेद बहुत सारी चीज़ों पे आधारित है। आयुर्वेद का आधार क्या था हमारा, आप सोचिए, आयुर्वेद का आधार में बहुत कुछ चीज़ें थी, आपका नियम धर्म, सही समय पे खाना, सही समय पे उठना, ये सब उसमें शामिल था। दिनचर्या थी, दिनचर्या जो थी वो एकदम अच्छी होनी चाहिए आदमी की, तो वो आधार थी, आधार जो था, पिलर था हमारा आयुर्वेद का। और हम पिलर अब छोड़ चुके हैं लेकिन रिजल्ट हमको वही चाहिए। हम पिलर पे तो कभी आ नहीं रहे हैं, मुझे याद है आपको ध्यान दे रहे हैं, पिलर हमारे पर, पिलर पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे, हमारी दिनचर्या सही नहीं है, हमारा खान पीन सही नहीं है, हमारी आदतें उस हिसाब से नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन हम आयुर्वेद का रिजल्ट उसी तरह से आशा कर रहे हैं, तो कैसे आदमी देगा? आयुर्वेद तो उसका नियम का पालन करेंगे तभी तो मिल पाएगा उनके हिसाब से। तो लंबी लंबी आयु के लिए और व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लंबी आयु के लिए और व्यक्ति स्वस्थ रहे, दिनचर्या प्रॉपर हो उनका, और एलोपैथी या आयुर्वेदिक जो भी पैथी आपको जमे उसका इलाज करिए,
लेकिन सबसे पहले अपना मन संयमित रखिए, अध्यात्म से जोड़ के रखिए। अगर मन संयमित रहा आपका, सारा खेल मन का ही है, अध्यात्म और भगवान भी मन से ही जुड़े हुए हैं, आपका मन ही है जो हर जगह सब कुछ कार्य कर रहा है, उसको संयमित रखिए। मन संयमित रहेगा तो आपका शरीर संयमित रहेगा, शरीर संयमित रहेगा तो सब कुछ संयमित रहेगा, आपके हाथ में सब कुछ रहेगा। थैंक यू।